विद्या देवी जी चाय। हाँ तुम बैठो ना। थैंक यू, जरा बैठना। मैं तुम्हारे घर तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहा हूं। मेरे कुछ सवाल है, अगर तुम इन सवालों का जवाब दोगी तो मेरी बहुत मदद होगी। पूछो। अवश्य। तो बताओ कितने बजे सोती हो? जी, छठे पहर में। छठे पहर अर्थात तुम्हारे उस यंत्र के अनुसार बताए तो जी इस समय 10 जी 10 बजे। तुम अपने घर पे भी इसी समय सोती थी? इतनी देर से तो नहीं, बहुत पहले। तो तुम्हारा स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब्ड है जी, नींद पूरी ना होने के कारण चिंतित रहती हो। ऐसा तो नहीं। क्या हुआ जी? क्षमा किसी का, परंतु इन प्रश्नों से नवरंग वन का मार्ग कैसे ज्ञात होगा? एक बात बताओ, कभी कभी कहीं से तुम्हें साउंड मतलब आवाज सुनाई देती है अपने आप से? ध्यान से सोचकर बताओ, सुनाई देती हूं? क्या हुआ? तुम हमारे मस्तिष्क का परीक्षण कर रहे हो चिकित्सक डॉक्टर ध्रुव? तुम्हें फिर ऐसा प्रतीत हुआ जैसे हम हमारा मानसिक संतुलन खो बैठे? धारा, हमने तुम पर भरोसा किया, अपना सच बताया, ऐसा प्रतीत हुआ जैसे इतना तो आप हमें समझ गए होंगे कि हमारी बातों पर शंका नहीं उठाओगे, परंतु हमसे भूल हो गई। किंतु चिंता मत कीजिए, पूछिए जितने प्रश्न पूछने, कर लीजिए हमारे मस्तिष्क का परीक्षण। तुम्हारे स्थान पर कोई और होता तो यही करता, हमने तुम्हें समझा था, परंतु ना तुम विशेष हो ना विशेष। सुन रहे हो आप? इनके लिए ना ही मैं विशेष हूं ना ही विशिष्ट हूं। There's nothing special about me. सुबह से इन मैडम ने मुझे काम देकर रखा है कि पिलर वाला नवरंग मन ढूंढो, और जब मैं ढूंढने लग गया तो अब ये देखो मुंह फुला के बैठ गई। अब इस राज्य में सिर्फ हमारी सत्ता स्थापित होगी। राजपुरोहित जी और राजवैद्य जी प्रसन्न हो जाइए, हमारे राज में आपका जीवन संवरने वाला है। आप दोनों की सहायता से हमने महाराज को ये विश्वास दिला दिया है कि उनके पास हमें राजा बनाने के सिवाय और कोई विकल्प ही नहीं है। क्षमा कीजिए सेनापति जी, परंतु आप इतने निश्चिंत कैसे हैं कि महाराज आप ही को अगला राजा घोषित करेंगे? उन्होंने तो आपको और राजकुमार को दोनों को ही अपने कक्ष में बुलाया है। हमारी निश्चिंता का कारण है कूटनीति, जो क्षत्रियों के रक्त में घुली होती है। राजवैद्यों को समझ नहीं आएगी। निसंदेह महाराज अगला राजा हम ही घोषित करने वाले हैं। आप इस तरह हिम्मत ना हारे, तारू के वापस लौटते हम पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे और एक महाराज के रूप में आपकी योग्यता पर किसी को संदेह नहीं। संदेह है युवराज, हमारी प्रजा को हम पर संदेह है।
राज्य का भविष्य अंधकार में है। जो राजा अपनी पत्नी अपनी पुत्री को नहीं संभाल पाए वो प्रजा को क्या संभालेंगे? हर संदेह जंगल की आग की तरह होता है, एक चिंगारी लगते ही पूरे पूरे जंगल में आग लग जाती है। किंतु पिताश्री महाराज, अपने याद किया महाराज। सेनापति जी आप ही की प्रतीक्षा थी हमें। आज हम आप दोनों के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहते हैं। हमसे पहले कई राजा हुए हैं जिनकी जिद और अहम की सजा उनकी प्रजा को उठानी पड़ी। हम वैसे राजा नहीं बनना चाहते। एक राज्य तभी तक खड़ा होता है जब तक उसके सिंहासन पर एक सक्षम राजा बैठा हो, और युवराज आपके स्वास्थ्य को देखते हुए यदि हमने आपको सिंहासन पर बिठाया तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। और ऐसे में हमारे पास केवल एक ही विकल्प है। सेनापति जी, हम आपको वल्लभगढ़ के सिंहासन का उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। आज को दिन ही बहुत खुशी को है, सबके चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए। मुस्कुरा ले तू भी। पर हुआ क्या है मां, बताओ तो सही। बता रहे हैं बेटा, सबर धर। प्रिंस सबको बुलायो कि ना आए? क्या हुआ सुशीला, ऐसे अचानक क्यों बुला लिया? सब ठीक है ना? भाऊजी आप सबको खुशखबरी देनी, ये ले मुंह मीठो कर। सबसे पहले तुम्हारा हक है। Let me guess. हट्टी की शादी तय हो गई है। और इस बंदरिया से कौन शादी करने के लिए रेडी हो गया? एक सेकंड, मेरा रिश्ता तय हो गया और किसी ने मुझे बताया भी नहीं। अरे कोई पूछ तो लेता एटलीस्ट। रिश्ते की ही बात है पर खट्टी की ना है, तेरी। अरे यार आ रहा हूं ना। अरे यार क्या है, आ रहा हूं ना। स्टाम्प पेपर पे साइन करके दूं क्या? Come on. प्रिंस, हर समय शोर में जाना जरूरी है? भैया मुझे क्यों चिल्ला रहे हो, मैं कब का बैंड बजवा रहा हूं? अरे तू शोर नहीं, तू मेरा दिमाग खा रहा है। अरे अपना काम करना है, एनएसएटीज को रेडी रहने के लिए बोल रहा है। शादी के स्ट्रेस में सर्जरी कैसे करूंगा मैं? चिकित्सक डॉक्टर ध्रुव, तुम्हारा पांव चोटिल है, इसमें घाव हो जाएगा, आइए। तारा मैं डॉक्टर हूं, मैं अपना इलाज खुद कर लूंगा। बैठिए एक क्षण। अरे हाँ,
ये क्या है, घास फूस ले आई तुम? अरे तुम रुको, उस ड्रॉर में ना वो दवा पड़ी है, वो लेकर आओ। इससे आराम मिलेगा, हमारा विश्वास कीजिए। आराम से। तुम्हारी माताश्री से वाद विवाद कर अच्छी अनुभूति नहीं हुई ना तुम्हें? माँ जबरदस्ती मेरी शादी करवाने की जिद कर रही है और मुझे नहीं करनी शादी। तो फिर तय हुआ, राजकुमारी तारा प्रिया का विवाह सेनापति सम्राट के साथ होगा। कल ही होगा। हम समझ सकते हैं, कभी कभी अपनों के ही लिए अपनों के ही हृदय को पीड़ा देनी पड़ती है। I hate it, पता है। मेरी लाइफ में ना पहली बार मेरी माँ से लड़ाई हुई है, और तब जब मुझे आज बहुत बड़ी सर्जरी करनी है। अरे यार हद हो गई है, तुम्हें पता कितना मुश्किल है ऐसे मूड के अंदर सर्जरी करना? अब मैं पेशेंट संभालूं या फिर अपना शादी का देखूं? मन के हारे हार है, मन की जीते जीत, कहे कबीर हरी पाए मन ही की प्रतीत। अर्थात संत कबीर कहते हैं, जो मन से हारे वो सब हारे, और जिनका मन अच्छा उनकी सब में जीत। इसलिए तुम भी अपना मन व्यतीत मत करो चिकित्सक डॉक्टर ध्रुव। हम समझते हैं, एक स्त्री पुरुष के बीच विवाह का बंधन सबसे पवित्र बंधन होता है। ऐसे में उसमें किसी प्रकार का दबाव, जोर जबरदस्ती की मिलावट कर उस पवित्र बंधन को अपवित्र करना, उसकी पवित्रता को भंग करना अच्छा नहीं। चिकित्सक डॉक्टर ध्रुव, तुम अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर ये विवाह नहीं करना चाहते, और अपने लिए ये निर्णय लेने का अधिकार है तुम्हें, पूरा अधिकार है। जेल पकड़। जी, बाजार से कुछ लाना है। तू रख ले, शाम को जब लड़की वाले आए उससे पहले घर को सारो काम निपटा के तू बाहर जा, और जब तक वो चले ना जाए तू आना मत। वो शुभ काम के लिए आ रहे, उनके सामने अपशगुन बन के खड़ी ना हो जाना। सुशीला, विद्या देवी जी, वो माँ है, माँ की बात का बुरा नहीं मानते, माँ की वाणी में भले कटु परंतु उनकी कथन में अपने बच्चों का हमेशा हित ही होता है। Excuse me, आप अवरंग वन के बारे में बात कर रहे थे, इस जगह के बारे में आप कुछ जानते? शक्ति को मंदिर है, हमारी तो बड़ी श्रद्धा है, हमने तो अपनी दुकान को नाम भी हमने वही के नाम पे रखो है, नवरंग वन जनरल स्टोर। अब इस मिनट में ना आपसे ये अपने ये पिलर्स देखे आपने कहीं? हाँ है तो, पर एक ना है, ऐसे तो कई हाथ है। नवरंग वन में ऐसे ही समय, ऐसे पांच समय,
यदि ये मिल गया तो बाकी सब अवश्य मिलेगा। अच्छा, मैंने तो पूरा इंटरनेट छान मारा, लोगों से भी बात की, ट्रैवल एजेंसी से भी पूछा, किसको क्यों नहीं पता इसके बारे में? अरे छोटी सी जगह है, ज्यादा लोग ना जानते उसके बारे में। आप इच्छुक लग रहे हैं, मैं आपको ये पता लिख के दे रहा हूँ, यहाँ से आधे घंटे की दूरी पे है, ले लो। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। ऐसा लगा कि पहले भी हुआ है मेरे साथ। पहले भी हुआ है अर्थात? आ गया तुम्हारा नवरंग वन, जो स्तंभ दिखाए थे ना वो इसी मंदिर में है। अब तुम अपने घर जा सकती हो और मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ तुम्हारे भाई का इलाज करने, और तुम्हें फीस की चिंता करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद, परंतु अब तुम घर जाओ, विलंब हो रहा होगा। कहां रह गया था ध्रुव, कितनी देर कर गई। प्रणाम माता जी। जी ये चप्पलें याद है आपको, आप ही की है। आज से ठीक 3 महीने पहले कृष्णा मंदिर से गायब हो गई थी ये। बैठिए बैठिए बैठिए। वो कहा है ना माता जी, हम पुरातत्व विभाग से है और वो भी बहुत ऊंचे औहदे पर। पुरानी चीजें खोज कर निकालने में हमें महारत हासिल है। ले आए ढूंढकर आपकी चप्पल, अब हम अपने हाथों से पहनाएंगे। अरे नहीं नहीं, अरे ये लीजिए, दिखाइए दिखाइए, पैर दिखाइए जरा अपने। कुछ भी बोलने से पहले आशीर्वाद दे दीजिए। दीजिए। तरक्की करो। और खट्टी, तुम्हारे लिए भी हमारे पास कुछ है। ये तेल है अफ्रीका से, तुम्हारे पार्लर के जो क्लाइंट है ना उनको देना, वो लगाएंगे ना तो तुम्हारे फैन हो जाएंगे वो। थैंक यू सो मच। प्लेजर। एक माँ की आंखें अपने बच्चों की परछाई से भी उनको पहचान लेती। महावीर, महावीर,
वहीं रुक जाइए। 20 वर्षों से रुके हुए हैं, अब अपने पुत्र से मिलने के लिए और नहीं रुक सकते। आपके पुत्र कह देने भर से आप हमारी मां नहीं बन जाती। आप क्या कह रहे हैं महावीर? एक माँ के लिए उसके सभी बच्चे एक समान होते हैं, किंतु आपने सिद्ध कर दिया कि आपको अधिक कौन प्रिय है। आपको हम में और तारू में अंतर नहीं करना चाहिए था। पत्र लिखा था ना आपने तारू को? पढ़ा हमने, हमें भूल गई हाँ? आपको भूल गई महावीर? अगर आपको भूल जाते तो आपके उपचार के लिए तारा को भेजते। उपचार के लिए हम भी तो जा सकते थे। नहीं ना? जा सकते थे आप। जिस मार्ग पर वो गई है वहां की वायु तरंगों का दबाव इतना अधिक है कि इस स्थिति में आपका मस्तिष्क वो दबाव ले ही नहीं पाता। तो ऐसे कौन सी जगह पे भेज दिया आपने हमारी तारू को माँ? और क्यों आपने अपने पुत्र की जान बचाने के लिए अपनी पुत्री की जान जोखिम में डाल दी? क्यों माँ क्यों? पक्षपात पूर्ण व्यवहार करती हैं और आप कहती हैं कि हम और तारू आपके लिए एक समान हैं। हमने हमारे पुत्र और पुत्री में कभी कोई पक्षपात कभी कोई भेदभाव नहीं किया। आपको क्या लगता है महावीर, कोई कठिन कार्य जो आप कर सकते हैं वो तारा नहीं कर सकती? आपको पता है आपकी जान बचाने के लिए तारा अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हो गई थी। तारू! तारा एक पुत्री है, एक बहन है, एक जननी है, एक देवी है, स्वयं शक्ति है। अगर वो ठान लेना तो आकाश की ऊंचाई पाताल की गहराई और समय सदी को भी पार कर सकती है। आपने मुझे प्रीति जी के लिए पसंद किया, थैंक यू। आई एम हम्बल्ड। अगर मेरी माँ चाहती है कि मेरी प्रीति जी से शादी हो तो ऑफ कोर्स प्रीति जी बहुत अच्छी इंसान होंगी। लेकिन मैं आपसे झूठ कहकर आपकी इज्जत को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। और सच ये है कि ये शादी की बात एकदम से हुई और अब रिश्ता पक्का होने जा रहा है और ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है। एंड इन सब बातों को सोचने और समझने के लिए मुझे वक्त चाहिए। देखिए, किसी के दबाव में आकर मैं शादी जैसी इतनी बड़ी बात को हाँ नहीं कह सकता। वो मेरे लिए भी गलत होगा और आपकी बहन के लिए भी। I'm really sorry, but अरे ध्रुव बाबू, कितने मासूम हो यार, इतने समझदार लगते नहीं हो जितने हो। पता है जल्दी का काम ना वैसे भी शैतान का होता है। और सच बोलूं, आपकी ये जो ऑनेस्टी है ना हमारे दिल को छू गई है। पर इस बात का भी ध्यान रखिएगा गुरु कि कहीं देर ना हो जाए, कि अगर अच्छा रिश्ता आया है आपके लिए और निकल गया तो आप क्या करोगे? इंतजार करते रह जाओगे? नहीं नहीं तरुण बाबू, हमें ज्यादा समय चाहिए भी ना है। हम बस कल तक आपको जवाब दे देंगे। जी कल तक बता दीजिएगा, हम इंतजार करेंगे। तो हम लोग आपसे आशीर्वाद चाहते हैं और इजाजत लेते हैं। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे।
कल तक का ही टाइम है, ध्रुव इस दबाव में आके कहीं हाथ तो नहीं बोल देगा। आपने तो मुझे हमेशा खिलाया अपने हाथों से, आज आपका बेटा आपके लिए मालपुआ बनाकर लेकर आया, आप खाओगी नहीं? माँ, आप देखिए ना बहुत टेस्टी है, मैंने आपके लिए स्पेशल बनाया, ये टेस्ट करके तो देखो। माँ प्लीज खा लो ना, बाप माँ 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 मा, मा। आप इधर बैठिए, इधर बैठिए। आपके बेटे ने स्पेशली आपके लिए मालपुआ बनाया, मां चक्कर नहीं देखोगे, खाइए प्लीज मां। थैंक यू मां, मैंने बहुत परेशान किया होगा ना आपको बचपन में। मां मुझे पता है आप मुझसे ना बहुत प्यार करती हैं और आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है मां, और आज जो मैं न्यूरोसर्जन हूं ना वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से मां। मां मां बट मैं डॉक्टर हूं ना, लोगों की जान बचाना सिर्फ सिर्फ मेरा कर्म नहीं है, फर्ज भी है और धर्म भी, और मैं और मां मां मैं किसी की जिद पे एक लड़की की मैं कैसे जिंदगी खराब कर सकता हूं शादी करके, जब मुझे पता है कि मुझे शादी करनी नहीं है। मैं सच में शादी के लिए रेडी नहीं हूँ, मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ मेरा काम है। माँ मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता, और आपने तो अपने बेटे की बात मानी है ना अब तक, तो एक लास्ट बात मान लेना माँ प्लीज प्लीज माँ प्लीज माँ। तारा जी, अच्छी खबर तो मिठाई के साथ ही दी जाती है ना, तो ये अच्छी खबर। अरे वो पंडित जी नहीं थे नवरंग वन मंदिर वाले, उनका कॉल आया था, उन्हें नवरंग वन के बारे में बहुत कुछ पता है, इसलिए वो हमें मिलने को कह रहे थे। हम ये मिष्ठान खाकर समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं, शीघ्र चलिए। गदाधारी भीम शांत, पंडित जी ना अक्षय तृतीया की पूजा के लिए बाहर गए, 3 दिन बाद लौटेंगे, मैं खुद लेकर जाऊंगा तुम्हें। वैसे एक और खुशखबरी है, उस लड़की के साथ शादी करने की माँ जो बात कर रही थी ना, आपका विवाह, वो ख्याल मैंने अपनी माँ के दिमाग से और दिल से निकाल दिया। ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब कोई चिंता नहीं, मैं आऊंगा तुम्हारे साथ, अब जैसा तुम चाहती थी वैसा ही होगा, मैंने वादा किया था कि तुम्हारा साथ दूंगा, जरूर दूंगा। आज तुमने इस लड़की के लिए हमसे एक बार फिर झूठ बोला, हमें पता है कि ये लड़की तुम्हें अपने मोह जाल में फंसा रही है, ये लाख कोशिश कर ले पर होगा वही जो हम चाहेंगे। राधे राधे तरुण जी, हम सुशीला बोल रहे हैं, ध्रुव की माँ। अच्छी खबर देने में देर नहीं करनी चाहिए, इसलिए सोचा आपको फोन करके बता दें, हमारे ध्रुव को प्रीति के संग रिश्ता मंजूर है। आप तो बस सगाई की मुहूर्त निकलवाइए, नेक काम में देरी कैसी, जितनी जल्दी उतना अच्छा। राधे राधे। माँ माँ आप क्या बोल रही थी उन्हें, आपसे मेरी बात हुई थी ना कि मुझे शादी नहीं करनी है, मैंने आपको बताया था कि मेरा फोकस मेरा करियर है, मेरा काम है, मेरी अपॉर्चुनिटीज लाइफ की, कैसे वो जो मैंने आपसे डिस्कस किया था वो सब कुछ झूठ था माँ। बहन जितनी तेरी उम्र ना है ध्रुव, उससे कहीं ज्यादा हमें जिंदगी का तजुर्बा है,
और उसी तजुर्बे से कह रहे हैं तेरा इस लड़की के संग चक्कर चल रहा है। क्या अब हेयर चल रहा है तुम दोनों के? नौकरानी बन के घुसी थी घर में और अब मालकिन बनने की सोच रही है। और तू तो इसके लाने हमारे लाए रिश्ते को ठुकरा रहा है तू? तो हमारी भी जिद, तेरी शादी होगी प्रीति के संग और कल होगी सगाई, तुरंत दान महाकल्याण। जा चरित्रहीन लड़की के पल्ले तो नाए पढ़ने देंगे ध्रुव। श्वेत है, शुद्ध है, साफ है, पूर्ण है, पवित्र है, ये हमारा चरित्र है। यदि आपको फिर भी हमारे चरित्र की पवित्रता का प्रमाण चाहिए तो हम अग्नि परीक्षा देने के लिए भी तैयार हैं। यदि हमारे चिकित्सक डॉक्टर ध्रुव के बीच कोई अवैध अपवित्र संबंध हुआ तो हमारा यह हाथ इस अग्नि में भस्म हो जाएगा। तो यदि हमारी कथन में सच्चाई है तो हमारे कृष्ण मुरारी मुरली मनोहर हमारा हाथ चलने नहीं देंगे। तुम्हारा सच में दिमाग खराब हो गया है? अरे ऐसे तुम्हारा हाथ जलेगा और कुछ साबित नहीं होगा। और तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। एक बात बताऊं, सच की ना खासियत होती है, सच को जितना मर्जी झूठ कह लो सच सच ही रहता है। सोच भी कैसे सकती है मां, जब मुझे नहीं करनी शादी तो जबरदस्ती क्यों करवाने में लगी है मेरी शादी? दादाजी, नानी, आप लोग तो बड़े हैं ना, आपने क्यों नहीं समझाया मां को? अलग जिद पकड़ के बैठ गए मां। बेटा, हम मान रहे हैं कि तुम्हारे और तारा के बीच में कोई चक्कर फक्कर नहीं है, लेकिन आज या कल शादी तो करनी है ना तुम्हें। फिर प्रीति भी तो अच्छी लड़की है, तो कर लो शादी। शादी का मतलब होता है एटलीस्ट दोनों शादी करना चाहते हैं। और मेरे तो साफ साफ कह दिए कि मुझे अपनी लाइफ पे, अपने काम पे, अपने करियर पे फोकस करना है। मैं तो प्रीति से प्यार भी नहीं करता हूं।
और शादी से ना मैं दोनों की जिंदगी खराब कर दूंगा। ध्रुव को शादी ही नहीं करनी है। पर कहीं सच में ध्रुव और तारा का चक्कर? नहीं नहीं नहीं, फिलहाल मुझे ये सोचना है कि मैं तारा को कैसे हैंडल करूं। तारा को मुझे ही हैंडल करना होगा। मम्मी जी, अरे ऐसा बिटिया, आओ आओ। क्या हो गया बेटा, सब ठीक तो है? हाँ, मैं बस ये सोच रही थी कि चाची जी के जो टेंशन है ना ध्रुव को लेके, वो गलत तो नहीं है। हाँ बिटिया, टेंशन गलत तो ना है, लेकिन कोई उपाय हो तो बताओ। वैसे एक आइडिया है मेरे पास। क्या? डॉक्टर ध्रुव, तुम्हें बिना बताए तुम्हारे घर से विदा ली हमने, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। परंतु हम एक माँ और पुत्र के बीच मतभेद और तनाव का कारण बनने का पाप अपने सर नहीं ले सकते। हमारे चले जाने से शायद तुम अपनी माता जी को ये समझा सको कि हम चरित्रहीन नहीं हैं और अपने विवाह को होने से रोकने में तुम्हारी सहायता हो। तुमने अभी तक हमारी बहुत मदद की, हृदय से तुम्हारा आभार। परंतु हमारा साथ शायद बस यहीं तक था, इसके आगे की यात्रा हमें तुम्हारे बिना ही तय करनी होगी। पंडित जी 3 दिन पश्चात लौटेंगे, जब तक हम उनसे नहीं मिलते हम कान्हा जी के मंदिर में ही शरण लेंगे। भाई जी, यदि कान्हा जी का साथ हुआ बहुत जल्द आपके पास होंगे। चिकित्सक डॉक्टर ध्रुव जैसे योग्य चिकित्सक को ढूंढकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। भाई जी, ये हमारी यात्रा है, हमारा संकल्प है और हम इसे अपने सामर्थ्य से पूर्ण करेंगे। तारा, मेरे बारे में सोच के पता नहीं कहां चली गई लड़की। श्री कृष्ण जी तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए। आइए। अरे माँ, अभी तक तैयार नहीं हुई हो। असल में बाथरूम में पानी नहीं था ना, इसलिए। तुम चिंता नहीं करो, हम फटाफट तैयार होके आ जाएंगे। जाओ जाओ माँ। हाँ। जा। मंदीप जी चेतावनी दे रहे, छोड़िए उन्हें। चल बैठ।
क्षमा मांगनी है तो इनसे मांगो, क्योंकि हम तो केवल दंड ही देंगे। हम तब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक हम नहीं दंड ही देते। अरे फिर कानून के यहाँ खड़े रहकर ताली बजावेगो? मारपीट गुंडागर्दी के जुर्म में तुमको अंदर करते हैं, ले चलो इसको। मैडम जी आपने बचा लियो हमें, वरना ये मार देती हमको। छोड़िए हमें, अब हमें क्यों पकड़ रहे? पकड़ना है तो इस व्यक्ति को पकड़िए जो एक स्त्री के साथ अनुचित व्यवहार करता है। भाई किसी ने देखा इस लड़के को परेशान करते? अब इसका फैसला पुलिस स्टेशन जाके ही होगा। दीदी तो सच में मेरी मदद कर रही थी, वो तो ये लड़का मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। जो कुछ भी बोलना है ना चौकी चलकर बोलना, समझ गई? हमने अपनी आँखों से देखा, ये इसकी जान ले लेती। जे ऑटम तो मर्डर का चार्ज लगेगा, और अगर चार्ज साबित हो गए ना कम से कम 3 साल की जेल होवेगी। हम तब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक हम नहीं दंड नहीं देते। छोड़िए, कानून के यहाँ खड़े रहकर ताली बजावेगो? मारपीट गुंडागर्दी के जुर्म में तुमको अंदर करते हैं, ले चलो इसको। छोड़िए हमें, अब हमें क्यों पकड़ रहे? पकड़ना है तो इस व्यक्ति को पकड़िए जो एक स्त्री के साथ अनुचित व्यवहार करता है। तारा भाई साहब क्या हुआ था यहाँ पे, ये लड़की कुछ पता है कहाँ गई है? भाई साहब वो छोरी ने तो बवाल कर दियो, पुलिस पकड़ के रकाबगंज थाने ले गई इसको, समझो 2-3 साल के लिए अंदर। दुविधा संकट में हमेशा आपको याद किया है हरे मुरारी, आज भी वही करेंगे। ध्रुव बाबू को फोन करेगा, बताएगा उन्हें कि उन्हीं की सगाई है और वही नदारद है। मैं कॉल करती हूं। क्या करती है लड़की, पुलिस से भाग रही है। लेकर नहीं गए या फोन छोड़कर चले गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे ध्रुव बाबू इस सगाई से बचना चाहते हैं? बच नहीं पाएंगे। वो कहा है ना कि उस अस्पताल का जहां ध्रुव बाबू काम करते हैं उसका नंबर भी हमारे पास है और एड्रेस भी। शायद सच में शादी से बचने के लिए ध्रुव कहीं चला गया है। वेल डन ध्रुव। अभी क्या अभी फोन लगाते हैं। हेलो मैडम जी, नमस्कार, डॉक्टर ध्रुव से बात कराइए जरा हमारी। डॉक्टर ध्रुव तो आज हॉस्पिटल आए ही नहीं, छुट्टी पे है आज वो।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.